हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर चौधरी। आज जो है आपको ऐसे प्रोडक्ट की वीडियो लाया हूँ जो घर को खूबसूरत भी बनाएगी और घर के लिए शुभकारी भी है और लाभदायक भी है। तो ये वीडियो है, ये है फ़िश एक्वेरियम की। तो आज हम फ़िश एक्वेरियम के बारे में जानेंगे कि फ़िश एक्वेरियम कितनी तरह के होते हैं, घर पे हमें कहाँ पे रखना चाहिए, वास्तु का क्या इफ़ेक्ट है और क्या प्राइस में आता है, और ख़रीदते टाइम हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इन सब बातों के बारे में जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक। ये देखिए फ्रेंड्स, ये गोल्ड फिश हैं जो कि फ़िश एक्वेरियम में पाले जाने वाली सबसे ज़्यादा फ़िश हैं। इस फिश को सबसे ज़्यादा लोग एक्वेरियम में रखते हैं। एक्वेरियम फ्रेंडली भी है और काफ़ी अच्छी फ़िश है। अब देखिए, ये अगला एक्वेरियम है। इसके अंदर आप देख सकते हैं नेचुरल प्लांट्स लगे हुए हैं और ये फ़िश हैं। तो ये देखिए, फ़िल्टर भी इसमें चल रहा है और इसके अंदर हीटर भी लगा हुआ है और एयर पंप भी आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं हमें एक्वेरियम क्यों रखना चाहिए हमारे अपने घर में। तो एक्वेरियम रखने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि घर को बहुत सुंदर दिखाता है। घर के अंदर जहाँ भी जिस भी कोने में आप रखेंगे तो इसमें लाइट जलेगी और फिश लाइव घूमती हुई दिखेंगी, तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा और आपके घर के इंटीरियर को बहुत ही रिच लुक देगा। तो इसलिए हमें रखना चाहिए, पहला कारण ये है। और ये घर के अंदर की नेगेटिव वेव्स को, ऑफिस के अंदर की नेगेटिव वेव्स को हटा देगा, नकारात्मक ऊर्जा को हटा देगा। आगे हम बात करेंगे वास्तु के बारे में भी कि वास्तु के हिसाब से हमें कहाँ और कितनी फिश रखनी चाहिए। तो बाकी ये दो बेसिक पॉइंट हैं जिसकी वजह से लोग एक्वेरियम लगाते हैं अपने घर में और ऑफिस में। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इसलिए हमें एक्वेरियम खरीदना चाहिए और लगवाना चाहिए अपने घर में। अब बात करते हैं हमें ख़रीदते समय, एक्वेरियम को परचेज़ करते समय, अगर आप नियर बाय से परचेज़ करते हैं या ऑनलाइन परचेज़ करते हैं, तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और हमें किन किन चीज़ों को ख़रीदना चाहिए एक्वेरियम को परचेज़ करते समय। तो एक्वेरियम को परचेज़ करते समय सबसे पहले तो हमें अपने रूम को या ऑफिस को देखना होगा, उसमें रखने के लिए कितना बड़ा स्पेस है और कितना बड़ा एक्वेरियम हम इजीली मेंटेन कर सकते हैं। तो हमें एक्वेरियम का साइज़ सबसे पहले मेजर करना होगा कि हमें किस साइज़ का एक्वेरियम चाहिए और किस कोने में वो फिट हो जाए अच्छे से। तो इसलिए सबसे पहले हमें साइज़ देखना होगा, किस साइज़ का हमें एक्वेरियम ख़रीदना है। नंबर दो, हमें एक्वेरियम खरीदने के बाद एक्वेरियम के अंदर की जो चीज़ें होती हैं, मैकेनिज्म होते हैं, वो क्या क्या है उसके बारे में मैं बताता हूँ कि उन्हें भी हैंड टू हैंड जब एक्वेरियम खरीदें, अगर ऑनलाइन खरीदें तो उन्हें भी तुरंत के साथ में ही खरीदें। उसके साथ में अगर आप नियर बाय किसी स्टोर से ख़रीदते हैं तो वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, उसी हिसाब से वो प्राइसिंग ऐड करते हैं। तो अगर आप नियर बाय से ख़रीदेंगे तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन भी मंगाते हैं तो मैं आपको बता दूं क्या क्या चीज़ आपको साथ में ख़रीदनी चाहिए। तो जो सबसे पहली चीज़ है जो आपको ख़रीदनी चाहिए वो है एक्वेरियम। दूसरी, हमें उसके अंदर नीचे स्टोन्स रखे जाते हैं तो स्टोन्स हमें प्रॉपर लेने चाहिए। प्लांट्स होते हैं, आर्टिफिशियल प्लांट्स वगैरह आते हैं जो हमें एक्वेरियम में नीचे लगाते हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं एक्वेरियम में प्लांट्स लगे हुए हैं, तो वो प्लांट्स आपको लेने चाहिए। और आपको जो है लेने चाहिए एक हीटर लगा होता है, सर्दियों में जो मौसम चेंज होता है तो उसमें हीटर की ज़रूरत होती है कि पानी हल्का सा वार्म बना रहे, काफ़ी ठंडे पानी में मछलियाँ मर जाती हैं, तो इसलिए एक हीटर भी हमें ख़रीदना चाहिए, छोटा हीटर जो उसमें लगा होता है, इस तरह का हीटर होता है। एक हमें पानी को साफ़ रखने के लिए फ़िल्टर आता है, ये देखिए इस तरह का फ़िल्टर होता है जो एक्वेरियम में लगता है, तो वो पानी को साफ़ रखता है, तो ये भी हमें साथ में ही ले लेना चाहिए। और हमें जो है उसके अंदर हवा का प्रेशर डालने के लिए हवा का एयर पंप आता है, तो वो भी हमें साथ में लेना चाहिए। लेकिन आजकल जो फ़िल्टर्स आते हैं उन्हीं में एयर पंप लगा हुआ है, तो आप वो ले सकते हैं या जो है आप उसमें एयर पंप अलग से भी ले सकते हैं, अगर खाली आपका फ़िल्टर क्लीन करता है वाटर को, वो जो है एयर नहीं प्रोवाइड करता है। तो ये चीज़ें हैं। और कुछ मेडिसिंस हैं, जब पानी नया डालते हैं फ्रेश वाटर होना चाहिए, फ़िश होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए जिस समय आप एक्वेरियम परचेज़ करें।
बात करते हैं वास्तु के हिसाब से हमें एक्वेरियम घर के किस कोने पे रखना चाहिए, तो वास्तु के हिसाब से वास्तुशास्त्री बताते हैं हमें ड्राइंग रूम में रखना चाहिए या डाइनिंग रूम में, डाइनिंग एरिया में भी रखते हैं तो ऐसे एरिया में रखें जहाँ पे वो इजीली विजुअल हो। और दूसरा, अगर ड्राइंग रूम में रखते हैं तो हमें या तो ईस्ट साइड में रखना चाहिए या नॉर्थ साइड में रखना चाहिए या नॉर्थ ईस्ट साइड में हमें रखना चाहिए, या तो पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में या उत्तर पूर्व दिशा में हमें रखना चाहिए एक्वेरियम को वास्तुशास्त्र के मुकाबले, जो कि काफ़ी अच्छा सुविधायक होता है और काफ़ी अच्छा पॉजिटिविटी फैलाता है, घर के अंदर पॉजिटिविटी देता है। और वास्तु के हिसाब से हमें जो है कितनी फिश रखनी चाहिए, तो वास्तुशास्त्री बताते हैं कि हमें, अगर हमारा बड़ा एक्वेरियम है तो हमें 9 फिश रखनी चाहिए, अगर छोटा है तो 7, अगर और छोटा है तो हमें 5 फिश रखनी चाहिए। हमें ऑड नंबर में नॉर्मली फिश रखनी चाहिए और मिनिमम 2 से ज़्यादा ही फिश रखनी चाहिए, हमेशा जोड़े से ऊपर रखनी चाहिए, 3 फिश कम से कम हमें रखनी चाहिए, तो ये वास्तुशास्त्री बताते हैं। और एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि वास्तु के हिसाब से हमेशा एक ही पर्सन मछलियों को दाना डाले, ये नहीं कि कभी कोई बच्चा डाल रहा है या कोई और डाल रहा है, इससे वैसे भी मछलियों को ज़्यादा दाना मिलने के चांस होते हैं, ज़्यादा नुकसान पहुँचने के चांस हैं, तो एक पर्टिकुलर पर्सन को ही मछलियों को दाना खिलाना चाहिए, ये भी वास्तुशास्त्री बताते हैं। और इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब अभिनव जी हैं जो काफ़ी सालों से इस फिश के इंडस्ट्री में हैं, फिश बेचते हैं, एक्वेरियम सेल आउट करते हैं, तो आज मैं आपको उनसे भी मिलाऊंगा, तो वो अभी आने ही वाले होंगे, आज उनसे मुलाकात करता हूँ और उनसे हम बहुत सी ज़रूरी टिप्स लेंगे, बहुत सी ज़रूरी बातें जानेंगे, और जो आपके कोई भी क्वेश्चन है उसके रिगार्डिंग तो वो भी आप उनसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो उनका मैं नंबर भी नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूंगा और उनसे भी आप मुलाकात करते हैं और 1-to-1 उनसे भी जानते हैं बहुत कुछ फिश एक्वेरियम के बारे में। अभिनव जी, आपका स्वागत है हमारे परफेक्ट चैनल पे, आपने अपना कीमती समय दिया, आप आए आज अपना कीमती समय निकाल के हमारे यहाँ ऑफिस में आए। तो अभिनव जी से अब हम जानते हैं फिश एक्वेरियम के बारे में, पिछले 15 साल से ये फिश एक्वेरियम के बिजनेस में है, काफ़ी फिशेस की नॉलेज है, हर तरह की ने एक्वेरियम के बारे में नॉलेज है। तो अभिनव जी, हमारे बहुत से क्लाइंट्स की क्वेरी रहती है, रिक्वायरमेंट रहती है कि उनकी इशू रहता है कि उनकी फिशेज मरती रहती है, नॉर्मली कुछ की मर जाती है, तो मैं जानना चाहूँगा मोस्टली क्या कारण होते हैं, किस वजह से मरती हैं और क्या क्या कारण होते हैं, कुछ आप बताएंगे हमारे। पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा ये जो काम है जो आपने 15 साल बोला जी, वो मेरे फादर जो काम करते थे वो नियर अबाउट 44-45 ईयर्स हो चुके हैं उनको काम करते हुए जी, वो अभी दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मैं इस काम को नियर अबाउट 25 साल से कर रहा हूँ। एंड फिशेज का मरने का कारण बहुत सारे होते हैं, एक कारण नहीं होता जी। सबसे बड़ा कारण होता है सडन चेंज ऑफ वेदर टेम्परेचर, जैसे ही मौसम एकदम चेंज होता है तो उस टाइम पे वो फिश मरनी शुरू हो जाते हैं। दूसरा उसका कारण होता है कि जब हम पानी पूरा निकाल देते हैं बिना स्टोर किए हुए और पुराना पानी बिल्कुल नहीं डालते हैं, उसकी वजह से भी फिश मरते हैं। उनके लिए आपको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है कि एक तो ओवर फीडिंग नहीं होनी चाहिए, ओवर फीडिंग की वजह से फिश मरती है, मतलब खाना ज़्यादा डलता है तो भी फिश मरते हैं जी। और ये सारी चीज़ों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो फिश मरना कम हो जाएगी। दूसरा, जब भी आप फिश में खाना डालें तो फिल्टर बंद कर दीजिए, क्योंकि फिल्टर को नहीं पता होता कि ये खाना है या कूड़ा है, तो वो खींच लेता है अपने अंदर और वो पानी को भी जल्दी गंदा करता है और फिश को ज़्यादा जल्दी मारता भी है जी। जी, और कुछ बीमारियां होती है फिशेज में, कुछ उस तरह से भी कई बीमारियां होती हैं, कुछ नहीं बीमारियां होती, कई बीमारियां होती हैं। ज़्यादातर जब भी स्टॉक लेके आते हैं आप जी, तो आप वहां से लेके आए जहां पर पुरानी फिशेज हों, ये नहीं कि आज ही स्टॉक आया और आज ही उठा लिया, क्योंकि उन फिशेज को स्ट्रेस होता है, उस स्ट्रेस की वजह से बहुत सारी फिशेज मर जाती हैं। तो जब भी आप 3-4 दिन पुराना रुका हुआ स्टॉक लेंगे तो आपकी फिशेज को ज़्यादा बेटर रहेगा जी। जी, जी। तो बाकी जो है, जैसे लोग करते हैं, जैसे वास्तुशास्त्री बताते हैं कि हमें ड्राइंग रूम में रखनी चाहिए, तो कुछ ऐसे भी एरिया होते हैं जहाँ पे हमें ना रखें हम, कुछ आपके हिसाब से जैसे आप बेस्ट एरियाज होते हैं, अगर आप अपने घर में इन फ्रंट ऑफ द गेट रखते हैं, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रखते हैं, ईस्ट कॉर्नर में रखते हैं, साउथ बेसिकली अग्नि स्थान माना जाता है, इसलिए साउथ में नहीं रखना चाहिए। अदरवाइज अगर आप किसी भी स्थान पे रखते हैं वो अच्छा है, बेडरूम में ना रखें तो ज़्यादा बेटर है, अगर प्रेफरेबली वहाँ पर और कहीं घर पर जगह नहीं है तो बेडरूम पर ही रख सकते हैं, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं।
तो हमेशा ऑड नंबर में फिश रखेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहता है वास्तु के हिसाब से। वास्तु के हिसाब से चलो, अभी जो है आपकी शॉप पे हम गए, वहाँ पे हमने देखी तरह तरह की फ़िश, काफ़ी वैरायटी थी। तो जो है आपसे जो है हम जानेंगे कि ये फ़िश कितनी तरह की होती है या कितनी फ़िश हमें रखनी चाहिए, कौन से कलर की रखनी चाहिए, कुछ उसका भी कुछ तो है? फिश की वैरायटीज़ तो इतनी होती हैं कि गिनना मुश्किल है जी। नॉर्मली लोग गोल्डफिश या गोल्डफिश की वैरायटी, सॉफ्ट वैरायटी पालते हैं और लोगों को हार्ड वैरायटी ये कह के बेचा जाता है कि हार्ड वैरायटी है, लेकिन हार्ड वैरायटी वो वाली वैरायटीज होती हैं जो आपस में अटैक करती हैं, जो अटैक करती हैं आपस में, वो चिकलेट वैरायटीज कहलाती हैं जी। और उसमें भी रखने का वही प्रोसेस होता है, जितना अच्छा हाइडिंग स्पेस देंगे आप उसको, जितना छुपने की जगह देंगे उतना बेटर रहेगा फिश। तो मतलब ये भी एक टेक्निकल इशू ही है जो एक्सपर्ट्स जैसे अभिनव जी आप हैं वही बता पाएंगे कि ये फिश इन फिश के साथ रख सकते हैं या इस वाली फिश को, गोल्ड फिश को शार्क के साथ रख सकते हैं जी। जो एक्सपर्ट जो शॉपकीपर्स होते हैं जिनको हॉबी होती है वो बता सकते हैं, जिनको खाली बेचना है वो तो फिर गधा घोड़ा सब एक साथ डाल देते हैं। जो एक्सपर्ट हैं जैसे आप इतने साल से 25 साल से कर रहे हैं इस काम को, मेरे तो ये हॉबी है, हॉबी की तरह से मैं ये काम कर रहा हूँ जी। बहुत अच्छा अभिनव जी, बाकी थैंक यू, आपने अपना कीमती समय दिया। बाकी हमारे व्यूअर्स इस तरह की वीडियो देखते रहना चाहते हैं, इन फ्यूचर भी मैं वीडियो डालूंगा कि फिश टैंक को कैसे क्लीन करें, कैसे मेंटेन करें, वो भी आपकी हेल्प चाहिएगी मुझे जरूर डेफिनेटली। और ऐसा अभी आप अभिनव जी से मिले, उन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी दी हमें फ़िश के बारे में, आप कुछ और भी जानना चाहते हैं तो अभिनव जी का नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उनसे डायरेक्ट कॉल करके भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं ये क्या प्राइस में आती हैं फ़िश टैंक्स, आपको लगवाना है परचेज करना है तो वो क्या प्राइस में आता है। तो एक जैसे ये चाइनीज फिश टैंक है, जैसे ये देखिए डिजाइन है, तो इस तरह के चाइनीज फिश टैंक की प्राइसिंग जो स्टार्ट हो जाती है 2500 रुपए का टैंक आ जाता है प्रॉपर, जिसमें फिल्टर भी लगा होता है, लाइट भी लगी होती है और एयर के लिए, ऑक्सीजन के लिए वो भी लगा होता है, तो सारी चीज़ें ये लगी होती हैं, सेट होता है प्रॉपर। तो ये करीब करीब 2500 रुपये से स्टार्ट होकर आपका 7000 रुपये तक की रेंज में इस तरह के अलग अलग साइजेस हैं ये मिल जाते हैं। आप ऑनलाइन लेना चाहें तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कुछ राउंड में भी होते हैं वो काफ़ी और भी सस्ते मिल जाते हैं, छोटे जिसमें दो या तीन, जिसमें तीन फिश हम रख सकें, तीन या पांच फिश रख सकते हैं छोटे राउंड में आप लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, वो और भी करीब करीब 500-600 रुपये तक की रेंज में उस तरह के भी आ जाते हैं। लेकिन अगर आप और इसमें एक चीज़ और अभिनव जी ने मुझे बताया कि ये कस्टमाइज भी बनवा सकते हैं, आपका कोई पर्टिकुलर स्पेस है, ऑफिस में स्पेस है या डॉक्टर का आपका क्लिनिक है पीछे, पूरी वॉल पे आप बनवाना चाहें तो ग्लास का आप प्रॉपर ये कस्टमाइज़ करके भी बनवा सकते हैं, तो उसका प्राइसिंग भी उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा, जिस साइज़ का आप बनवाएंगे उसी हिसाब से वो कॉस्टिंग चेंज हो जाएगी। तो उसके लिए भी आप अभिनव जी को कॉन्टैक्ट करके कस्टमाइज बनवाना है, और प्राइसिंग अप डाउन रहती है कि आप उसमें अगर आप कंप्लीट सेट किसी नियर बाय स्टोर से जाके लेते हैं तो प्राइसिंग अप डाउन रहती है कि आप उसमें किस तरह के टॉय लगवा रहे हैं, किस तरह के स्टोन्स डलवा रहे हैं, उसमें किस तरह के मैकेनिज्म यूज़ कर रहे हैं, किस क्वालिटी के, किस कंपनी के यूज़ कर रहे हैं, तो उन सब चीज़ों के ऊपर, और कौन कौन सी फ़िश आप उसमें डाल रहे हैं, कितनी बड़ी फ़िश डाल रहे हैं, तो उन सब के ऊपर जो है प्राइसिंग काफ़ी वेरी करता है। तो नॉर्मली मैंने आपको आइडिया दे दिया है, अगर आप नॉर्मल फ़िश टैंक लेते हैं तो 2500 रुपये से लेके और आपका 5000-8000, अगर बड़ा कस्टमाइज बनवाते हैं तो 10-15-20 हज़ार तक का भी आप बनवा सकते हैं। तो ये है, बाकी इसके एक मैकेनिज्म आप ख़रीदना चाहें तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। बाकी जो है एक चीज़ और मैं जान हमारे व्यूअर्स की क्वेरी रहती है कि हमारी फ़िश मर जाती हैं, और जब हम कहीं ऑफिस में अगर हम फ़िश टैंक लगवाते हैं तो हम छुट्टियों पे कहीं जाते हैं या ऑफिस बंद रहता है या 3 या 4-5 दिन के लिए कहीं वीकेंड पे ऑफ होता है, तो मछलियों को दाना डालने वाला कोई नहीं होता। तो ये चीज़ मैंने अभिनव जी से बोला कि बहुत से हमारे व्यूअर्स जो है हमारे फ़िश एक्वेरियम इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि उन्हें इस तरह का इशू रहता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि वैकेशन फूड आता है एक, इस तरह का ये देखिए वैकेशन फूड आता है, जिस टाइम हम कहीं बाहर जाते हैं तो उस टाइम इस तरह का फूड आता है, ये हम डाल के चले जाएं तो ये फूड डालने के बाद हफ्ते भर तक मछलियों को दाना डालने की जरूरत नहीं होती, अपने आप जो है वो इससे खाते रहेंगे फिश अपना खाना और हफ्ते भर तक ये काम करता रहेगा, उससे उसके बाद फिर हफ्ते भर बाद, लेकिन अगर आपका ज़्यादा लंबा वीकेंड है तो फिर आप जो है फिर आपको जो है दोबारा आके उन्हें दाना देना पड़ेगा। तो करीब करीब हफ्ते से 10 दिन आप जो है वैकेशन फूड को यूज़ कर सकते हैं मछलियों को
खाना देने के लिए और वो हेल्दी भी बनी रहेंगी। तो ये चीज़ें हैं। बाकी इंटीरियर रिलेटेड वीडियो, इंटीरियर के प्रोडक्ट की वीडियो मैं लाता रहता हूँ ऐसी ही वीडियो, और फ़िश के ऊपर मैं और भी वीडियो लाऊंगा, फ़िश टैंक को कैसे क्लीन करें, आपने अगर घर में लगा लिया है तो कैसे क्लीन करें, और भी कोई क्वेरी होगी तो वो भी आप अभिनव जी से भी जान सकते हैं। और नीचे कमेंट बॉक्स में भी आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं कोशिश करूँगा उसका प्रॉपर रिप्लाई दूँ और टाइमली रिप्लाई दूँ। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, खुश रहें, मस्त रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।